अभी तक 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं और अब देश भर में चर्चा गर्म है, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। इसी बीच अयोध्या से आई एक बड़ी खबर ने सबका ध्यान खींचा है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भविष्यवाणी की है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मैं भविष्यवाणी किया हूँ कि तीसरी बार भी ये प्रधानमंत्री के रूप में बने, इसलिए यह जो चुनाव हो रहा है यह चुनाव के संबंध में 4 तारीख को निर्णय हो जाएगा और 4 तारीख को ही निश्चित हो जाएगा कि पुनः तीसरी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में। आचार्य सत्येंद्र दास ने यह दावा किया है कि भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। वे रोज प्रभु राम से नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की प्रार्थना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रामलला का आशीर्वाद मोदी जी पर है और इसी कृपा से वे फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद स्वयं जो स्वयं मोदी जी आए उनके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा हुई है और रामलला का आशीर्वाद है, रामलला की कृपा है उनके ऊपर, इसलिए इस वर्ष भी उनको चुनाव में भी यही मिलेंगे और तीसरी बार भी उनको प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे और वो अपनी सत्ता पूरा करेंगे। इस प्रकार जो भी है हमारा आशीर्वाद है, हमारी भविष्यवाणी है और संतों ने भी उनके लिए भविष्यवाणी किया है कि हाँ यही प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या आप जानते हैं कि आचार्य सत्येंद्र दास की भविष्यवाणी पहले भी सच हो चुकी है? उन्होंने पहले भी मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने की भविष्यवाणी की थी और वह सही साबित हुई, तो क्या इस बार भी उनकी भविष्यवाणी सच होगी? आचार्य सत्येंद्र दास ने बताया कि 4 तारीख को चुनाव का निर्णय हो जाएगा और ये सिद्ध हो जाएगा कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। रामलला के प्राण प्रतिष्ठान के बाद से ही मोदी जी पर रामलला का आशीर्वाद है और ये आशीर्वाद उन्हें इस चुनाव में जीत दिलाएगा। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।